ट्रैफिक जाम के बीच की जो खास खबर है, ज्वेलरी शहर में एक्सीडेंट की जो घटनाएं हैं बड़ी तेजी से बढ़ी हैं। और नमस्कार, आदाब, आइए बात करते हैं भिवंडी शहर में ट्रैफिक जाम की जो समस्या है उस पर। भिवंडी शहर में ट्रैफिक डिपार्टमेंट की 3 यूनिट है। इस वक्त मैं जहाँ खड़ा हूँ ये कल्याण रोड पर, कल्याण नाके पर मौजूद है वाहतूक विभाग। और देखिए ये गाड़ी आ रही है, इस गाड़ी को 24 घंटा भिवंडी सिटी में एंट्री मना है। और दूसरी तरफ देखेंगे एक गाड़ी ये भी आ रही है, एक सामने जा रही है। ये पूरा एक अंदर का मामला है, अंदर का मामला। ये लोग इतनी आसानी से अंदर नहीं आते, मगर इनसे बीच में लोग मिलते मिलाते रहते हैं और इस तरह की गाड़ियां यहाँ अंदर आते रहती हैं। भिवंडी शहर की जो ट्रैफिक जाम की समस्या है इतना ज़्यादा बढ़ चुकी है कि अब भिवंडी शहर में जो लोग रहने वाले हैं वो खुद परेशान हो चुके हैं कि इन ट्रैफिक जाम की समस्या का क्या रास्ता है। कहीं ना कहीं वार्डन के जरिए कलेक्शन का काम भी होता है, सवाल उठता है। वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक मनीष पाटिल यहाँ पहले थे तो ट्रैफिक जाम पर कुछ कंट्रोल हुआ था, और उसके बाद अभी नए वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक आए हैं जिनका नाम सर नेम जिनका खोत है, उनका पता नहीं है। शहर की समस्या ट्रैफिक जाम की दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है, इस पर सोचने को ना तो महानगर पालिका के लोग तैयार हैं ना ही ट्रैफिक डिपार्टमेंट के लोग। तो आखिर भिवंडी शहर के लोग जाएं तो कहाँ। सलमान मेमन के साथ मैं खान पकड़।